हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संजय बी एस कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाई जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे चलती हैं और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं। तो उसी में से एक कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एनिमेशन। ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों, अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये सबके लिए ओपन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। क्या आपको एलिजिबिलिटी है, क्या आपको प्रोसीजर करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, फ़ीस क्या रहने वाला, सारा चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर अबाउट एनिमेशन के बारे में जानना है तो आप देख सकते हो, एनिमेशन के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब ये हर इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री है, तो एनिमेशन की जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ती ही रहती है, ठीक है। और ये इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात किया जाए, तो ये एनिमेशन जो है फास्ट इमर्जिंग हाई पेइंग करियर ऑप्शन है, यानी बहुत जल्दी ये डेवलप कर रहा है और कर चुका है, क्योंकि काफ़ी इसमें स्कोप रहने वाला है और सबसे ज़्यादा पे करने वाला ये कोर्स रहता है। अगर आप इसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हो, आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो जाता है, कैसे आपको उसको मतलब सीखना है, कैसे एनिमेशन करना है, ये सारे चीज़ों पे अगर आप सीख लेते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है और काफ़ी मतलब बेनिफिट रहेगा इसमें आपको। 2D 3D आपको एनिमेशन के बारे में ये लोग सिखाएंगे, जो भी आपके लिए रहेगा बेनिफिट वो लोग सिखाने वाले हैं। इसीलिए इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि यहाँ से जब आप पढ़ के निकलो तो एक अच्छा जगह आप जॉब लेने जाओ तो आपको अच्छा सैलरी मिलने वाला है। ये लोग क्या बोल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको इंडस्ट्रीज़ के लोग आएंगे, आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, कहाँ पे आप जा सकते हो, किस फील्ड में आप वर्क कर सकते हो, इसके बारे में ये लोग बताएंगे। बाकी वो लोग काफ़ी क्वालिफाइड होंगे, वो लोग मेरे से अच्छा बता देंगे, बाकी जो मुझे जहाँ तक समझ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अबाउट द कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। बेसिक्स ऑफ ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया के बारे में ये लोग सिखाएंगे, डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग एंड इमेजिंग, फोटोशॉप जो हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इसके बारे में सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो शुरू से सिखाएंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ 2D एनिमेशन फ्लैश के बारे में सिखाएंगे, कि जो भी प्रैक्टिस होगा या थ्योरी होगा 2D एनिमेशन फ्लैश का वो सिखाएंगे। 3D आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग और वॉक थ्रो एंड एनिमेशन के बारे में सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन टू माया के बारे में सिखाएंगे, माया एडवांस्ड ट्रेनिंग के बारे में, आफ्टर इफेक्ट साउंड फोर्ज के बारे में, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, टोटल क्रेडिट ये क्रेडिट रहेगा 32, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इन्होंने रेड में ये लिखा है नोटिस रिगार्डिंग कैशलेस पेमेंट। ये इन्होंने ये बोला है कि आपका जो भी पेमेंट वगैरह कीजिएगा ना, मैं पेमेंट के बारे में भी थोड़ी देर में चलता हूँ, तो वो लोग कैशलेस रहेगा, तो मतलब कि सारा चीज़ें ऑनलाइन रहेगा। ये लोग फैसिलिटी दे रखे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के अलावा आप कर सकते हो। और कुछ मतलब हो सकता है आपके जो फीस दिया गया हो उसमें कुछ चार्जेस इंक्लूड हो, एज अ प्रोसेसिंग चार्ज जो भी रहता है वो रहता है गेटवे की तरफ से, वो तो सबको ही पता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में, तो ड्यूरेशन ये 12 महीना का रहेगा, यानी एक साल का ये कोर्स है। और डिप्लोमा का आपको डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। ये ऑफलाइन टीचिंग रहेगा, ठीक है, यानी आपको मेन कैंपस में ही आपको पढ़ाया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप मेन कैंपस में पढ़ने वालों, ठीक है। और डिमोनस्ट्रेशन जो रहेगा, उसके बाद असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ये सारा चीज़ें करवाया जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद क्लासेस की टाइमिंग जो 3 से 4 दिन हफ्ते में रहेगा, मतलब कि ये मान को चलो मंडे टू फ्राइडे के बीच में 4 दिन आपका क्लासेस चलेगा, बीच में आपका एक दिन छुट्टी रह सकता है, बाकी सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रहा। सैटरडे को भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, सैटरडे मुझे लगा सैटरडे को ऑफ होगा, पर सैटरडे को भी यहाँ पे दिया गया। तो जो वीक जो रहेगा मंडे टू फ्राइडे, उसमें 5 से 7 बजे शाम में ये लोग करवाएंगे क्लासेस। उसके बाद आपको सैटरडे को दिन जो रहेगा वो 3 बजे से लेकर शाम को और 5 बजे के शाम तक ये लोग करवाएंगे, ठीक है। और ये टाइमिंग रहता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे के बीच में 4 दिन वो चलेगा, 1 दिन सैटरडे, मतलब आपका समझ जाइए कि आपका 5 दिन क्लासेस चलेगी जैसे चलती है। तो 12 महीना ऐसे कंटिन्यू चलेगा। और आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो इसमें 12th नहीं मांगा जा रहा है, क्लास 10th अगर पास आउट हो तो जैसे ही आप मैट्रिकुलेशन कर चुके हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो आप
ट्वेल्थ पास हो तभी भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन पास हो तभी भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर लियो तभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब क्लासेस जो रहेगा, मतलब चालू जो होगा, कोर्सेज जब चालू होगा तो 5 अगस्त से चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने डेडलाइन नहीं बोला है कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, 5 अगस्त से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने इनका यही रहेगा 5 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर देना, ठीक है। लास्ट डेट इन्होंने नहीं बोला है एप्लीकेशन का, तो 5 अगस्त से पहले आप कर सकते हो। कोर्सेज का फ़ीस के बारे में बात किया जाए तो इनका जो फ़ीस रहेगा 38,500 रुपीज़ रहेगा, और ये एक बार में नहीं देना होगा, ठीक है। ये टोटल कोर्स का फ़ीस है, आपको 2 बार में इंस्टॉलमेंट के तौर पर आपको देना होगा। अभी जब एडमिशन लोगे तो उसमें आपको 22,500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपको देना पड़ेगा। वो कॉलेज में आप जाओगे तो वो लोग बता देंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन ऑन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मगर जो पहले एडमिशन कराएंगे उनको सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है सीटों की लिमिटेशन हो, क्योंकि एक क्लास में कैपेसिटी के हिसाब से ये लोग करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। अब प्रिंटिंग फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। प्रिंटिंग फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड होगा जब फिलअप, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो अगर नहीं है तो आप मोबाइल में सेव कर लेना PDF, कहीं से प्रिंट आउट 5-10 रुपये में लिखवा सकते हो आप। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, अप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ओनली ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा जो मैं बता रहा हूँ अभी, कॉलेज के साइट पे ही। नो प्रिंटेड फॉर्म विल बी इशू बाई कॉलेज, कॉलेज की तरफ से कोई प्रिंटेड फॉर्म नहीं दिया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ही सारा चीज़ें करना, आपको अपलोड करना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको PDF में करना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ में आपका अपना क्लास 10th का मार्कशीट डाल दो, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो तो डाल सकते हो। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कर सकते हो JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। सिग्नेचर आपको JPEG फॉर्मेट में कर लेना है, साइज नहीं लिखा गया, जो भी साइज रहे आपको कर लेना हो। हालांकि जब फॉर्म फिलअप करने जाएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म पे द फी ऑनलाइन, जब फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो आपको जो फीस बताया गया, जो मैंने ऊपर में बताया, वो फीस को जमा कर लेना, ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने बताया। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड द प्रोविजनल एडमिशन सीट, आप जब पेमेंट कर लीजिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी सीट जो पेमेंट स्लिप होगा, प्रोविजनल एडमिशन सीट भी आप बोल सकते हो, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक काम करना पड़ेगा आपको वहाँ पे कि आपको मेल करना है, ठीक है, computer.center@sxccal.edu पे आपको मेल करना है, ठीक है, ताकि वो लोग आप कन्फर्मेश उनके पास चला जाए कि हाँ ये स्टूडेंट ने किया, आपको मेल कर देना उस सीट को जो आपका फीस स्लिप रहेगा, जो भी एडमिशन सीट रहेगा, जो भी आप फीस स्लिप आप कह सकते हो वो चीज़ों को। बिफोर द बिगनिंग ऑफ क्लासेस कैंडिडेट विल रिसीव द फॉलोइंग बाई मेल, ठीक है। क्लासेस मतलब शुरू होने से पहले ये लोग कुछ मेल करेंगे, ठीक है, उसको कैंडिडेट को सबको मेल जाएगा, तो इसलिए फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दोनों मतलब आप करेक्ट देना, गलत नहीं देना, ठीक है। तो लिंक फॉर MS टीम्स लिंक देंगे, ठीक है, MS टीम के तरफ से योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दिया जाएगा उनके तरफ से। क्लासेस शेड्यूल विल बी अवेलेबल इन MS टीम्स कैलेंडर, ठीक है। तो क्लासेस जो रहेगा शेड्यूल जो रहेगा उनके पास MS टीम कैलेंडर के तरफ से वो लोग भेज देंगे मेल पे, इंस्ट्रक्शन देंगे क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। एडमिशन के लिए अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, थोड़ी देर में चलेंगे, अगर जो लोग अप्लाई कर लेंगे लॉगिन और अप्लीकेशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है। जब अप्लाई कर दोगे सारा चीज़ों को सेव कर लेना, करेक्ट करेक्ट डालना, ठीक है। इसमें क्या रख रहा है, पे फी ऑनलाइन जब जमा कर लीजिएगा, मतलब अप्लीकेशन डन हो जाएगा तो आपको फ़ी ऑनलाइन करना होगा, प्रिंट कर लीजिएगा पेमेंट रिसिप्ट को जो, और प्रिंट प्रोविजनल एडमिशन सीट को भी कर लेना, जो प्रोविजनल एडमिशन सीट भी आएगा तो उसको भी कर लेना पेमेंट करने के बाद। तो पेमेंट रिसिप्ट और प्रोविजनल एडमिशन सीट दोनों को डाउनलोड कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करना है आप देख लीजिए। होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुका है, पूरा मैंने समझा दिया आपको। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आप देख सकते हो, तो देख सकते हो कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ के तरफ से ये रिलीज़ किया गया। आप ध्यान रखिए प्रिंट फैसिलिटीज रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 22,500 अभी देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी लास्ट डेट रहेगा, जो भी स्टार है वो कंपलसरी है,
ठीक है, ये सबमिट कर देना है। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म बाय क्लिकिंग सबमिट योर एप्लीकेशन कोड विल बी डिस्प्ले, मेक ए नोट ऑफ एप्लीकेशन कोड। जब फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन कोड मिलेगा, उसको नोट डाउन कर लेना है, उसी से आप लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, प्रोसीड टू द पेमेंट ऑफ फीस, द फीस कैन बी पेड ऑनलाइन, मतलब आपको पेमेंट कर लेना है जो ऑनलाइन ही, डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू। आपको आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस लॉग इन योर एप्लीकेशन टू गेट प्रोविजनल एडमिशन सीट। जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो लॉग इन कर लीजिएगा, जो भी एप्लीकेशन कोड है उसके माध्यम से आपको प्रोविजनल सीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस सीट को कर लेना है, उसके बाद मेल कर देना है जैसे मैंने बताया। यू नीड नॉट सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द कॉलेज। आपको कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट नहीं करना है। ब्रिंग द प्रोविजनल एडमिशन शीट एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। तो मतलब आपको बोला गया है कि जो भी प्रोविजनल एडमिशन सीट है और अदर डॉक्यूमेंट जो बताया गया है उसको लेके जाना है। प्लीज़ इंटर योर नेम एग्जैक्टली एज द मार्कशीट, प्लीज़ इंटर करेक्ट एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा विद केयर। जो भी मतलब बोला गया, नाम सही डालिएगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जो आपका मार्कशीट पे है उसको डालिएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही सही डालना, अपना एक्टिव डालना, क्योंकि वहीं पे कम्युनिकेशन के माध्यम से वो लोग बताएंगे। बाकी इसको फिलअप कर लो, नाम, जेंडर, डीओबी, रिलीजन, कम्युनिटी, डिफरेंटली एबल हैं या नहीं, ब्लड ग्रुप, पर्सनल डिटेल में एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, ठीक है, फैमिली, इनकम, नेशनलिटी, आधार नंबर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल सकते हो, एकेडमिक डिटेल जो भी है वो कर लो, फोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में कर लेना, देख सकते हो सिग्नेचर 40 KB, फोटोग्राफ 100 KB, आधार कार्ड 100 KB, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 1000 KB यानी 1 MB, तो जो भी करना है कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ मांगा जा रहा है जहाँ पे जेपीजी मांग रहा है, करके यहाँ पे सारा चीज़ें करके सबमिट कर देना, एप्लीकेशन कोड आएगा उसको आप नोट डाउन करके लॉग इन करके अपना फीस जमा कर लेना, प्रोविजनल एडमिशन शीट को भी डाउनलोड कर लेना और जो आप फीस जमा किए हो उसका भी प्रिंट आउट ले लेना, ये चीज़ें कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा आपका। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, मैंने प्रॉपर डिटेल बता दी है, तो आपको अगर लेना है एडमिशन तो देख लो अपने हिसाब से, बाकी कोशिश अच्छी है, अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपके पास अगर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर लो, और मतलब अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा मिलने वाला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।